भगवान श्री राम ढूंढने के क्रम में चलते 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 जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें याद आता है कि मेरी एक बहुत बड़ी परम भक्त है, उसका नाम है सबरी। सबरी की कहानी ये है कि जिस गांव में रहती थी उसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे, भगवत भजन में सदा लीन रहते थे। सबरी जाति की छोटी थी तो उसे संकोच होता था कि यदि हम आश्रम में जाएंगे तो हमको आश्रम में जाने से लोग रोक देंगे। इस वजह से वो रात्रि को जब सब लोग सो जाते थे तो चुपचाप आश्रम जाती थी और आश्रम की सेवा करती थी, साफ सफाई करके छुप करके धीरे से आश्रम से बाहर आ जाती थी। आश्रम के मुखिया है मतंद ऋषि। वो जब देखते हैं कि आश्रम सुबह सुबह एकदम साफ सुथरा दिखता है तो उनको आभास हो जाता है कि कोई ऐसा भगवान का भक्त है जो भगवान की सेवा छुप करके कर रहा है। उनकी सेवा से प्रसन्न होके मतंग ऋषि उस भक्त से मिलने के लिए एक दिन शयन नहीं करते हैं, छुप करके देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो आकर के प्रभु की सेवा कर रहा है। वो सबरी को देखते हैं, आती है, साफ सफाई आश्रम की करती है और फिर जब जाने लगती है तब उसको कहते हैं, अरे तुम कौन हो, अपना नाम बताओ, मेरे पास आओ। वो डर जाती है, कहती है, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम फिर दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। मतंग ऋषि कहते, तुम डर क्यों रही हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने तो सेवा की है, इसका तो तुम्हें शुभ फल मिलेगा। और देखो ये आश्रम में किसी का घर नहीं है, यहाँ सबका अधिकार है। सबरी मतंग ऋषि की अनुमति प्राप्त करने के बाद हमेशा आश्रम में आती है और आश्रम की सेवा करती है। ये संत लोग भी बहुत बहुत विचित्र होते हैं, कुछ दिन कहीं रहते हैं और फिर वहां से निकल करके कहीं और चले जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि जब आप ढेर लंबे समय तक कहीं किसी जगह पर टिक जाते हैं तो उस जगह से वहां के लोगों से राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। और साधना के मार्ग में जो लगाव है ना, वो सबसे कठिन कठिन वस्तु है। जब आपका लगाव होगा तो आपके जीवन में मोह आएगा, फिर आप पक्षपात करेंगे, जो करना है वो नहीं करेंगे, कुछ और ही करेंगे। एक कथा आती है, संत लोग क्यों छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत दिन तक कहीं टिकते नहीं है। एक साधु बाबा आए मतौनी, 500-600 साल पहले की बात है, तो यहाँ के ठाकुर जी उनके लिए रहने वहने की व्यवस्था कर दिए। उसके बाद वो अपना रहने लगे, भजन करने लगे। गांव में बोले, हम नहीं रहेंगे, हमको कहीं किनारे रख दो, क्योंकि गांव वाले बहुत हल्ला करते हैं लड़ाई झगड़ा के दौरान, इसलिए किनारे चले गए। अब वो क्या के ठाकुर जी अपने खेत में झोपड़ी बना दिए, सुबह शाम दूध फल भोजन का सामान ले जाके पहुंचा देते थे। एक दिन क्या हुआ कि भजन कर रहे थे भगवान का ध्यान, तब तक आंख खुला बाबा का, और उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के खेत में एक बैल चर रहा है। तो आश्रम से निकले, डंडा उंडा ढूंढे और बैल को भगाने लगे, बैल भाग गया। फिर आकर के कुटिया में बैठ के ध्यान भजन किए, तब तक याद आया कहीं बैला आके चर तो नहीं रहा है ठाकुर साहब की फसलिया। फिर निकले, फिर चर रहा था वो। तो फिर क्या के दो तीन बार भगाया, नहीं भगाना, तो फिर डंडा लेके बाहर बैठे रहे। शाम तक डंडा लेके बैठे रहे। ठाकुर जी जब लेके गए शाम का सामान तो बोले कि आप बाहर डंडा लेके क्यों बैठे हैं। तो बाबा ने बोला कि क्या करें, आपके खेत में एक बैल आके आपके फसल को खा रहा था। तो बोले, तो इसमें आपको क्या समस्या, खा मेरा रहा था, आपको क्या पीड़ा हुई, आप अपना काम करते, भजन साधना। बोले, नहीं,
तुमने हमारी सेवा की है ना, तो इसलिए तुम्हारी चीजों की हिफाजत करने के लिए मेरे अंदर बहुत प्रबल भाव है। अपनी आंखों के सामने तुम्हारा नुकसान होते कैसे देख सकते हैं, यही वजह है। और फिर उस दिन के बाद वो गांव छोड़ के चले गए। जब आप बहुत दिन तक रहते हैं तो आपको फिर वहां के लोगों से लगाव हो जाता है। सहज है, इंसान है, इंसान के साथ प्रेम तो होता ही है। अगर कोई ठीक ठाक इंसान है तो उसको मिल के भी अच्छा लगता है, और जब वो अलग होता है तो दुख भी होता है। तो मतंग ऋषि बहुत दिन तक रह लिए। अब उन्होंने लगा कि अब यहाँ पर बहुत लगाव हो गया, यहाँ से जाना चाहिए। जब जाने लगे ना, तो उस आश्रम में एक सबसे वफादार शिष्या थी, सेविका थी, सबरी। उसको पूरा आश्रम की जिम्मेदारी दे दिए और बोले कि हे सबरी, अब इसका देखभाल तुम करना, साधु लोगों की सेवा करना, भजन करना, धर्म का प्रचार करना, सत्संग करना, कीर्तन करना। वो लगी रोने, बोली कि हम क्या करेंगे इस आश्रम का, हमारे लिए घर कम है क्या कि मैं इस आश्रम में आकर इसकी जिम्मेदारी में उलझूं। तो बोले क्या चाहिए तुम्हें। गुरुदेव मतंग ऋषि ने पूछा। सबरी ने कहा, हे प्रभु, कुछ ऐसा दीजिए जिससे जीवन का कल्याण हो, जीवन का उद्धार हो, भगवान की प्राप्ति हो। मतंग ऋषि ने फिर उसके अंदर की भावना, जो सच्ची भावना थी, उसको देख करके उसे भगवान श्री राम के मंत्र का उपदेश किया। वो पूछी कि इसका अर्थ क्या है। मतंग ऋषि ने कहा, तुम अर्थ के पीछे मत भागो, तुम इसका तन्मय होकर जप करो, स्मरण करो, इसका अर्थ तुम्हारे सामने एक दिन स्वतः चल के आ जाएगा। देखो, आप किसी का नाम लेते हो तो क्या होता है, वो नाम ही आता है ना। जैसे मान लो बोलो, ए पल्लवी, एक बार नहीं सुनेगी, दो बार नहीं सुनेगी, हो सकता है छत पे हो या अपने चाची के घर में हो। अब जब बुलाएंगे अपने देसी स्टाइल में, अरे सुनत नहीं की, तो तुरंत दौड़ते हुए आएगी पल्लवी। अब पल्लवी किसी का नाम है तो मैं क्या करूंगा, पल्लवी की जगह हाँ शिल्पी ले सकते हो, हाँ बोलू ले सकते हो, गोलू ले सकते हो, शुभम ले सकते हो, सुनील चंद ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जिसका जिसका मेरे मुंह में नाम याद है उसका लेंगे हम। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ बोलना है तो उसके लिए एकदम एक नया नाम गढ़े हम कि टॉम जी, आजकल ऐसे नाम आते हैं। तो जब नाम लेते हैं तो उस नाम का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो आता है। ऐसे जब भगवान का नाम जपते हैं ना, बार बार लेते हैं, तो भगवान भी आते हैं, हमसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और फिर जो हमें चाहिए वो हमें दे जाते हैं। सबरी को जब बता दिए हैं मतंग ऋषि और उसके बाद आश्रम की व्यवस्था देकर चले जाते हैं, तो आश्रम की सेवा करती है सबरी और हर पल भगवान के नाम का जप करती है, सुमिरन करती है। सबरी हर रोज भगवान की पूजा का सामान इकट्ठा करती है, भगवान की प्रतीक्षा करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आए तो फिर दौड़ के जाएं कि भगवान के लिए कुछ पानी पीने के लिए दुकान से खरीद के लाएं। हमारे गांव वाले घरों में ऐसे होता है कि जब मेहमान आता है तो धीरे से बोलते पीछे वाली खिड़की से, जो जो जल्दी से एक ठो पार ले जी बिस्कुट खरीद के लाओ। तो ऐसा वो नहीं करती, हर पल तैयार रहती है और भगवान का जप करती है, भगवान के नाम का कीर्तन करती है। आइए हम सब भी करेंगे। किस प्रकार से कीर्तन करती है, बहुत सुंदर कीर्तन है, बोल है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमर, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी
की दुआरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते भिलनी की जाति भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे मैं सबरी भिलनी की जाति भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कराती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कराती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बैरन की मीठे मीठे बैरन की बरलाई हूँ ढबरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते राम तुम्हारे दर्शन बिन अब मन में बहुत उदासी है राम तुम्हारे दर्शन बिन अब मन में बहुत उदासी है दर्शन बिन दो नैना तरसे जीवन बहुत दुखारी है दर्शन बिन दो नैना तरसे जीवन बहुत दुखारी है दर्शन दे दो दर्शन दे दो दयानिधि डालो में हर पर नजरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सपुरी की दुआरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते भगवान जब माँ जानकी को ढूंढते हुए उसके कुटिया से गुजरते हैं ना तो अचानक उनको याद आता है वो तो अंतर्यामी है कि मेरी एक परम भक्त है भगवान उसके पास जाते हैं और जब घर पे जाते हैं ना तो सबरी देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो रही है क्योंकि राम जैसा कभी उसने जिंदगी में किसी और को देखा नहीं था इतने शांत इतने सौम्य इतने सुंदर परमात्मा का नाम लेने से आदमी का मन प्रसन्नता सुख से भर जाता है जिसके सामने स्वयं परमात्मा खड़े हों
उसकी क्या हालत होगी। राम जी से पूछ नहीं पाती है और पहचान नहीं पाती है। आप पहचानते तो उसे हो ना जिसके बारे में आपने कभी देखा हो, चाहे तस्वीर में चाहे सामने से। अब देखा ही नहीं है तो कैसे पहचानोगे कि ये वही आदमी है जिसका मैं मंत्र जप रही थी। राम जी कहते तुम जिसे पाने के लिए ना हमेशा से साधना में लगी रहती हो, मैं वही हूँ, मैं राम हूँ। प्रसन्न हो जाती जैसे वो सुनती है, और जब ये सुनती है ना तो उसके मुख से शब्द नहीं निकलता। आप जिंदगी में जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके बारे में आपके अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर विचार हैं कि काश मुझे एक बार वो मिल जाते, उनसे थोड़ी देर हम बातें कर पाते, तो ऐसे ऐसे महत व्यक्ति से जब आप मिलते हैं ना तो आप एकदम कुछ बोल नहीं पाते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द नहीं होता आपके पास। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुर सति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, केही विधि अस्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, केही विधि अस्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं अधम भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद अघारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। दौड़ के जाती है और कठवत होता है ना जिसमें आटा गूंथते हैं, उसी कठवत के तो उसमें वो पानी भर के एक दूसरे पात्र में लेके आती है और भगवान पहले उसको धुल लेती है और भगवान का चरण उसमें रख लेती है। अब भगवान को पाने के बाद वो इतनी खुश है ना, देखो कई बार क्या होता है जब आप बहुत खुश होते हैं ना तो भी आप रोते हैं, उसे कहते हैं खुशी के आंसू है। कोई कहेगा चुप हो जाओ चुप हो जाओ, अरे मन नहीं है मुझे रो लेने दो बहुत मजा आ रहा है, रोने में भी सुख होता है। बात यह है कि आप किस विषय पर रो रहे हैं। भगवान के चरणों को वो बहुत प्यार से धुलती है, उसका चरणामृत का सेवन करती है, जो कुछ उसके पास उपलब्ध है कंद मूल फल आदि वो भगवान को देती है उसका भोग लगाने के लिए, और कहती है प्रभु मेरा अहो भाग्य कि आप हमारे कुटिया में पधारे, वर्षों से हम आपकी राह देख रहे थे कि कब आप आएंगे,
लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मुझे कुछ आता नहीं, मैं कैसे आपकी पूजा करूं, कैसे आपकी वंदना करूं, कैसे स्तुति करूं। अगर हम कुछ करना जानते तो जरूर करते, लेकिन हमको कुछ नहीं आता, हम कैसे आपकी पूजा करें, आपकी प्रार्थना करें, आपकी स्तुति करें। भगवान उसके भाव को देख करके ना प्रसन्न है। देखो भगवान को पाने के लिए ना आप खाली भाव अर्पित करो अपने सच्चे सच्चे मन से, वो खुश हो जाएंगे। उनको शब्द की जरूरत नहीं है, आपके अंतर मन में अगर भाव शुद्ध हैं, सच्चे हैं, तो अपने आप भगवान आपके आत्मा की जो प्रार्थना है वो समझ जाते हैं। एक जगह कहते हैं राम जी कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए, और अगर वो आपके पास है तो हम आपके हैं, और वो क्या है? निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका मन निर्मल हो। अगर मन निर्मल है तो कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आप भगवान के अच्छे भक्तों में अपना नाम लिखा सकते हैं। राम जी कहते हैं सबरी से, अरे सबरी, तुम अपने अज्ञानता अपने अल्पज्ञता की बात कर रही हो, मेरे और मेरे भक्त के बीच में ये सब आते ही नहीं है। कह रघुपति सुनो भामिनी बात, मानव एका भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारे देखिया जैसा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में न तो जाति पात है, न ऊंच नीच है, न बड़ा छोटा है, कुछ नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता है मेरे भक्त के साथ, और वो है प्रेम का रिश्ता। जो भक्त जितना प्रेम करता है हम उसके लिए उतना ही समर्पित रहते हैं। भगवान एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जो भक्ति है ना वो कैसी है, वो बिन बरसात के बादल जैसी है। नर की शोभा तभी बढ़ती है जब उसके जीवन में भक्ति का उदय होता है। आप बताओ, आप सब कहीं ना कहीं किसानी से संबंधित हो, सबके घरों में खेत बोया जाता है, फसल के मौसम में बादल गरजे तड़के भड़के लेकिन वर्षा ना करे तो आपको कैसा लगेगा? एकदम अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो गरज रहा है, बरस रहा है, तो अच्छा लगेगा ना।
आपके खेत की सिंचाई होगी, उस सिंचाई से आपके जीवन के निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में अन्न प्राप्त होगा। जीवन में भक्ति भी सिंचाई की तरह है, हमारी आत्मा को ना पवित्र करती है, हमें भगवान से जोड़ती है। एक जगह तो ऐसे आता है, भक्ति हीन नर सोहै कैसे, लवण बिना बहु बिंजन जैसे। अगर आपने खूब सुंदर पकवान बनाया, खूब बढ़िया बढ़िया सब्जी ना, दाल और उसमें नमकीन डालना भूल गए, नमक, तो फिर आपको क्या लगता है आपको पुरस्कार मिलेगा? हो सकता है थारी आपके सर पे मिले, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। तो जैसे भोजन में नमक, अच्छा आपने खूब डाल दिया तो भी नहीं मिलने वाला है कुछ गिफ्ट, एकदम हिसाब से चाहिए। तो जितना भोजन में नमक महत्वपूर्ण है ना, उतना ही जीवन में भक्ति है। अब मान लीजिए आप में से कोई हो गृहस्थ और बहुत बड़ा भगत हो, सब काम नाम छोड़ करके भगवान के मंदिर में बैठा रहता हो सुबह 4 बजे लेके दिन के 12 बजे तक, तो उसके घर की हालत क्या होगी? उसके घर में कभी सुख नहीं रहेगा। इसलिए सुख नहीं रहेगा कि बेचारे पति भूखे पेट जाएंगे अपने ऑफिस, क्योंकि पत्नी तो मंदिर में बैठी हुई है, और डिस्टर्ब करिए तो बोलेगी कि देखो हम पूजा जब बैठे तो फिर हमको कुछ तंग मत किया करिए, अपना खाना वाना बना के खा के जाइए। तो फिर या तो वो दूसर विवाह कर लेगा और नहीं तो किराए का कमरा लेके कहीं होटल में रह लेगा। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि जीवन में समझदारी बहुत चाहिए। आपका जो चरित्र है, आपका जो दायित्व है, उसके साथ जीवन के सभी चीजों का एक सामंजस्य बैठाकर भक्ति भजन करना, जीवन जीना, यही समझदारी है। नवरात्रि होता है, कुछ लोग जो है इतने बड़े भगत होते हैं कि वो खाली जल ग्रहण करते हैं, कहते हैं हम भोजन नहीं करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका आत होता है ना, अगर बहुत लंबा उपवास करते हैं तो सिकुड़ जाता है, फिर चिपक जाता है, फिर उसको खुलने में टाइम लगता है, तो शारीरिक नुकसान हो जाता है। तो साधना में समझदारी भी चाहिए, जिद नहीं चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। आप व्रत रखे और तबीयत खराब हो गया तो 5,000 रुपया हॉस्पिटल को देना पड़ेगा, घर वाले परेशान हो जाएंगे, तो ये समझदारी बना के रखने का। ये बात भक्ति के ऊपर की है कि भक्ति समझदारी से करना चाहिए सभी को। राम जी सबरी के भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, सबरी आज तुमसे मैं 9 प्रकार की भक्ति की बात करूंगा। कौन सी बातें बताते हैं भक्ति के बारे में 9 प्रकार के, आइए सुनते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति ममा गुणगन करें कपट तजगान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
देखिए कीर्तन मिलजुल करके करना इसलिए जरूरी है कि आपका मन कभी इधर उधर की बातों में अगर कहीं चला गया तो जब आप नाम मुख से लोगे ना राम 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 राम, तो आपका मन जो इधर उधर गया है ना वो खट से वहां से अपना रिश्ता तोड़ करके और कथा में अपना रिश्ता जोड़ लेगा। इसलिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। आप कितना दिन से मुझे सुन रहे हो, हम कभी अत्याचार नहीं करते। नहीं तो आप टेलीविजन पे देखते हो ना, सब कहते ताली बजाओ, उठ के नाचो, ऐसे जबरदस्ती नृत्य कराते हैं और ताली बजवाते हैं। मुझे समझ में आता है कि कितना देर कोई ताली बजाएगा, 3 घंटा तक ताली बजाएगा तो अगले दिन कथा सुनने लायक रहेगा, वो नहीं आ पाएगा। इसलिए हम कहते चुपचाप बैठ के सुनो, हल्ला मत करो। और कई बार जो ताली बजाते हैं तो जानते हो कैसा आवाज आता है, जैसे गांव में चिपरी पाटते हैं। इसीलिए मत बजाओ ताली, ठीक है, कम से कम खराब साउंड तो नहीं आएगा। तो ताली बजाना है तो फिर कैसे बजाते हैं वो ध्यान से सुनो। एकदम एक्यूरेट टाइमिंग होना चाहिए सबका इकट्ठा। अब कहां मिलेगा ऐसा कि उन कोई आगे पीछे तो हो ही जाएगा, बस वही गड़बड़ा जाएगा मामला। राम जी कहते हैं ये सबरी पहली भक्ति। देखो ये विषय बहुत मन से सुनिए, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सच में भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान के कृपा का लाभ उठाना चाहते हैं, तभी रात को इतनी बजे आई हो आप लोग। तो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले संग करिए। संग किसका? संत लोगों का। अब बात जब संत की हो रही है ना, तो संत तो एक तो पेटेंट संत हैं, जो टीका चंदन लगाते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, सफेद और गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो साधारण कपड़े में रहते हैं उनमें भी बहुत सारे संत लोग होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनके संग में रहिए, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनके साथ रहिए। दूसरी भक्ति मेरी कथा से प्रेम करिए। भगवान की जो कथा है ना उसको दिल लगा के सुनो। देखो किसी को जानने बगैर उसके बारे में आप कभी अच्छी तरह से उससे जुड़ नहीं सकते। जब किसी के बारे में सुनते हो बहुत अच्छे हैं वो, तब उनसे मिलने की इच्छा होती है। तो कथा में भगवान के बारे में हमको पता चलता है कि भगवान हमारे लिए कितना करते हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगा। गुरु पद सेवा, इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि बाबा जी का पैर दबाओ घंटा घंटा, उससे कुछ भला नहीं होगा। उन्होंने जो ज्ञान दिया है आपको जीवन में अमल करने के लिए ना, उस पर विचार करो, सोचो समझो, अपने जीवन के दुर्गुणों को छोड़ने की कोशिश करो और निराभिमान होकर जिंदगी जियो। अभिमान से युक्त होकर नहीं। तीसरी भक्ति ये थी कि निराभिमान होकर गुरुदेव की सेवा करना। मतलब सेवा मतलब सबसे बड़ी सेवा है कि उनके कहे हुए अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयत्न। आप मान लो अपने पिताजी की खूब सेवा कर रहे हो, सर दबा रहे हो, उनके कपड़े धुल दे रहे हो, लेकिन उनकी बात एकदम नहीं मान रहे हो, तो वो खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। आपसे कहेंगे तुम मेरे नजर के सामने मत आओ। इसलिए उनकी आज्ञा में रहना जरूरी है, सेवा से भी जरूरी है, और सेवा हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजिगान।
भगवान का जो गुणगान है ना, एकदम सच्चे मन से होना चाहिए, एकदम सच्चे मन से, उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा पाठ के नाम पर ढोंग करते हैं, उसका कोई फल नहीं है। छोटा पूजा हो, सत्यनारायण व्रत की कथा हो, एकदम ठीक ठीक तरीके से हो, दिखावा ना हो। हम सब अधिकतर दिखावा करते हैं। कैसे दिखावा करते हैं? जब पूजा करेंगे ना तो पंडित जी से सामान की लिस्ट बनवा लेंगे, हाँ, फिर दुकान पे जाएंगे और कहेंगे सेठ जी भाई पूजा का सामान दे दीजिएगा। तो पूजा का सामान देने का मतलब क्या? सब एक्सपायर माल जितना आपके पास हो सब दे दीजिए। सड़ी हुई सुपारी किसको चढ़ाएंगे? गणेश जी को चढ़ाएंगे। और लाल लाल कपड़ा आता है किस लिए? भगवान को चढ़ाने के लिए। कच्चा भी बने तो फाट जाए, होता है ना कुछ, न टेलीकार्ट रहता ना सूती रहता है। आप किसको? मतलब भगवान को दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? ये भगवान आप पहनिएगा। तो मान लो मंदिर से निकल के भगवान कहे हाँ इसका सिलवाक लेके आओ, पैंट कुर्ता पहनेंगे हम, जैसे पहनेंगे सिलाई भी डाढ़ चली जाएगी। भावना शुद्ध रखिए और चीज शुद्ध दीजिए। छोटी सी चीज आप अर्पित करिए भगवान को, लेकिन पवित्र हो, शुद्ध हो और अच्छा हो। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजिगान, एकदम निष्कपट होकर के भगवान का गुणगान करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखन पर दोषा। नवा सरल सब तन चलहीना, नवमा सरल सब तन चलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना, मम भरोस ही हर्षन दीना, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखन पर दोषा। नवम सरल सब तन चलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना, नवम हुए कौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृद्ध दुर्लभ गति जोई, तो कहुआ सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय
सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की, अमर सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, जो भी आपको पसंद हैं, उनके नाम के मंत्र का खूब दिल लगा के जप करिए। ये भगवान को पाने की पांचवी भक्ति है, पांचवी प्रकार की भक्ति है। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ढेर सारे कार्यों में ना हम खुद को उलझा के रखते हैं, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो हमारे समय का होता है। आपके पास पता है ना कितना घंटा है दिन रात मिला के, कितना घंटा? 24 घंटा। हाँ, एकदम सही बताइए। आपको मिलेगा एक टो महल, एक टो टाफी। हाँ, इनको याद कर लीजिएगा ना, शुभम कौन बताया। अब 24 घंटा में चाहे 18 घंटा सो लीजिए और बाकी 6 घंटा काम करिए, चाहे 6 घंटा सो के 18 घंटा काम करिए, उतने समय है। होता क्या है, हम अधिकतर समय इधर उधर का ना बात में बर्बाद कर देते हैं और भगवान के पास जाते हैं तो जल्दी जल्दी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह जनमान श्री गुरु जन सरोज हो गया। भगवान कंफ्यूज रहते हैं कि हमको प्यार से हमारी प्रार्थना कर रहा है कि हमको गरिया रहा है। जब भगवान के पास जाओ, 5 मिनट जाओ, 2 मिनट जाओ, शांति से आंख बंद करके बैठो, बाहर जो भगवान का प्रतिमा है उसको देखो और अंदर जो परमात्मा है उसका अनुभव करो। और एकदम छोटे में, जैसे वो आता है ना हेडलाइंस, आज की ताजा खबर, तो ऐसे अपने दिल की ताजा खबर भगवान को बताता। भगवान जी देखिए हमारा मन बहुत उदास है, इसको ठीक करिए। खत्म। आज हमने किसी को दुख पहुंचा दिया है अनजाने में, कल से ऐसा नहीं करेंगे। क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है, सब लोग मुझे समझते नहीं है, सबकी बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर देते ताकि सब लोग मुझे समझना शुरू कर दें। ऐसे छोटे छोटे लाइन में भगवान से अर्जी लगा दीजिए, भगवान अपना काम करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो आपके गांव की नाली टूट गई है तो आप क्या करते हैं, आप सरपंच से, प्रधान से एक एप्लीकेशन डाल देते हैं, फिर जब उसके पास फंड आता है तो बेचारा बनवाता है। ऐसे भगवान के पास भी जब समय रहेगा तो आपका काम कर देंगे। तो बहुत सारे कामों में अपने को उलझा के नहीं रखना है। कहने का मतलब ये है, जितना अधिक से अधिक समय बचा सको वो अपनी भक्ति में, अपने जीवन के अच्छे कार्य में उसका प्रयोग करिए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातवीं प्रकार की भक्ति है कि जितना जगत आपको दिख रहा है आंखों से, उसको ऐसा अनुभव करो ना कि वो परमात्मा का स्वरूप है। देखो असल में जो शिव जी के मंदिर में जाते हो, शिवलिंग है चाहे दुर्गा जी की प्रतिमा है, वो क्या है,
वो केवल पत्थर है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करके हमने मान लिया है कि उसमें परमात्मा है, और ये सच भी होता है। तो जब उसमें परमात्मा है तो क्या देह में परमात्मा नहीं है? देह में दुरात्मा है? नहीं, देह में भी ईश्वर है। तो जब आप किसी से मिलिए तो उसको जब नमस्ते करिए ना, तो देखिए उसको खुश, उसको करिए, लेकिन भीतर से ऐसा महसूस करिए कि हे प्रभु अंतर्यामी प्रणाम है आपको। जब किसी की सेवा करिए, किसी को जल पिलाइए, किसी को भोजन कराइए, तो ऐसा महसूस करिए कि हम इसको नहीं कुछ दे रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके भीतर जो प्रभु बैठे हुए हैं ना, उसके लिए कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? कोई आपको दुश्मन दिखेगा ही नहीं, सब आपको भगवान दिखने लगेंगे। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, कोशिश करके देखिए, कुछ लाभ होगा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। जीवन के हमारे सबसे बड़ी समस्या ये है, असंतोष, और इसके कारण हम सबसे अधिक दुखी होते हैं। आपको पता होगा, लोग पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, और ओवर टाइम कर करके अपना शरीर खराब कर लेते हैं। फिर जो ओवर टाइम करके पैसा इकट्ठा करते हैं ना, वो बाद में शरीर को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल को दान कर देते हैं। बात समझ में आई ना? एक मोबाइल का उदाहरण सबसे बढ़िया है। मोबाइल होता है फोन पर बात करने के लिए। हाँ, आजकल सुविधा आ गया है कि उसमें आप ईमेल चेक कर सकते हैं, इंटरनेट के जरिए आप रेल की टिकट, जहाज की टिकट बना सकते हैं। और टीवी किस लिए होता है? टीवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, कि डिश का केबल लगा दिया और अपना प्रोग्राम देखने लगे। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बच्चा लोग है ना, और बड़े लोग भी, उसमें पचपच तो फिल्म रखेंगे और राती में रजाई के नीचे डाल के फिल्म देखते रहेंगे, और जो बैटरी साल भर चलने वाली है वो बैटरी 6 महीना में फेल हो जाती है। अब ओवरलोड काम लोगे तो बैटरी सपोर्ट करेगी? टूट फूट जाएगी अंदर से। ऐसे ही शरीर की भी क्षमता है, अगर आप इससे बहुत अधिक काम लेने लगोगे तो फिर क्या होगा? अंदर से एक एक बत्ता जो है ना, कमजोर हो जाएगा। पैकिंग अच्छी रहेगी लेकिन अंदर का सारा आइटम लूज हो जाएगा। अब इसका उदाहरण आपको बताते हैं। आप टोस्ट मंगाते हैं ना, टोस्ट चाय में डुबा के खाने वाला, कुरकुर कुरकुर होता है, ऊपर से पैकिंग ठीक रहता है, लेकिन अगर उतारने चढ़ाने में कभी गड़बड़ा जाता है, कोई भारी सामान उस पर पड़ गया, तो अंदर सब टूटा फूटा रहता है। इसलिए अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, ठीक तरीके से भोजन करिए, समय पर भोजन करिए। हाँ, ये हमारी अम्मा रोज हमको जब जब फोन पे बतियाती है तो पूछ कहती है, खाना ना खा लिए? 10 बजे बात होगी तो भी पूछेगी, 11 बजे बात होगी तो भी पूछेगी। हम कह खा लिए, हाँ, कभी कभी नहीं खाए होते तो झूठे कहते खा लिए। हाँ, तो कहने मतलब स्वस्थ रहिए, संतोष रहिए, जो आपको परमात्मा दे रहा है उसमें खुश रहिए। दुखी होके अपना जीवन और खराब करेंगे। दूसरे का दोष मत देखिए। कल भी किसी विषय में हमने सुनाया था आपको, कल या परसों, कि हम लोगों की आदत होती है कि दूसरे का छोटा सा दोष दिख जाता है तो उसका तिल का ताड़ बना देते हैं और उस पर खूब लंबा चौड़ा सत्संग करते हैं। वो बुरी आदत है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवी भक्ति सबके साथ सरल हो जाइए, किसी को चीट मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को गुमराह मत करिए, एकदम साफ सुथरी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। इसमें भी हम 2 नंबर होते हैं, फेल होते हैं,
फोन आता है ऑफिस से, तो पापा कहते हैं बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है। तो कहता है अंकल अंकल पापा ने कहा है ना कि पापा घर पे नहीं है। पकड़ में आ जाता झूठ। तो गलत सिखाते हैं, फिर वो एक दिन हमसे भी गलत बोलता है, झूठ बोलता है, उसकी आदत में शामिल हो जाते हैं। नहीं बोलिए नवम सरल सब सन छल ही नामम भरोस ही हर सन दीना। मेरा भरोसा करो, जो तुम्हें चाहिए मुझे बोलो, हम कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, बाकी इधर उधर हाथ हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। सबके बाप जो है ना वही मालिक हैं, हमारे राम जी या आपके कृष्ण जी। हाँ, तो जो कुछ चाहिए उनको बोलो, वो सही माध्यम बनाकर आपको आपकी जरूरत दे देंगे, यदि आप उसके पात्र हैं तो। पात्र नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं इस तरह की 9 प्रकार की भक्ति बताने के बाद कि एक प्रकार की भी भक्ति किसी के जीवन में आ जाए ना, तो उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। और जब मेरी प्राप्ति होती है ना, तो मेरा दर्शन होता है, और उस दर्शन का फल क्या होता है, जीव सदा सदा के लिए दुख के तप्त से, दुख के प्रभाव से छूट जाता है। इतनी सारी बात करने के बाद अपने बारे में राम जी बताते हैं, जानकी के हरण की बात। सबरी उनको कहती है कि हे प्रभु, आप यहां से जाएं पंपा सर के पास, आपकी सुग्रीव से हनुमान मित्रता कराएंगे और वो आपको आपके इस सीता की खोज में मदद करेंगे। देखो, एक भक्त भविष्य की घटना को बता रहा है। क्यों बता रहा है? यही भगवान के भक्ति और भगवान के प्राप्ति का फल है कि जब ठीक ठीक तरीके से भजन करते हैं हम और भगवान की प्राप्ति होती है, तो हमें दिव्य शक्ति का लाभ मिलता है और हम उसके बल पर भविष्य की घटनाओं को जान पाते हैं। लेकिन अभी इस कलयुग में अगर बात करें कि कोई ऐसा है जो भविष्य की घटना बता दे, तो बहुत, हमें नहीं कहते होंगे नहीं, लेकिन बहुत कम होंगे, अधिकतर धूर्त लोग होंगे। धूर्त समझते हैं ना, जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। बिरला कोई होता है जो आपको इस तरह की शक्ति से संपन्न सही सही मिल पाता है।